हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई, आज की वीडियो में बात करूंगा एक कॉमन क्वेश्चन के ऊपर कि भाई, आधी फीस घर से दे के आ रहे हैं तो बाकी क्या हम पे कर पाएंगे। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन के आसपास के जो क्वेश्चन हैं, मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो में जो है वो उनको भी कवर कर लूं। तो भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई, जो फीस है यूनिवर्सिटी की यूके में, वो पूरी पे करनी पड़ती है कि हाफ़ पे करनी पड़ती है कि कम पे करनी पड़ती है? तो भाई, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कंपलसरी लिख के देती है जब आपकी ऑफ़र लेटर आती है कि हाँ भाई, आप जो है वो एक सेमेस्टर की फ़ीस पे करके आओ, या आप जो है वो पूरे साल की जो फ़ीस है वो पे करके आओ। तो ये भाई आपकी ऑफ़र लेटर के ऊपर जो है वो लिखा आएगा, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और से पूछने की ज़रूरत है। जब आपकी ऑफ़र लेटर आती है तो उस पर मेंशन किया होता है कि हाँ भाई, आप इतना इनिशियल डिपॉज़िट दो, लाइक आप 400 दे दो, 500 दे दो, 5000 दे दो, है ना। डिपेंड करता है वो कितना अमाउंट आपकी ऑफ़र लेटर में लिखा हुआ है, और जितना अमाउंट ऑफ़र लेटर में लिखा हुआ होता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। उससे कम में जो है वो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर नहीं देगी, और जब तक कैश लेटर नहीं मिलेगा आप जो है वीज़ा आगे नहीं ले पाओगे। तो भाई, ये क्वेश्चन तो अभी सभी का क्लियर हो गया होगा कि हाँ भाई, फुल फ़ीस देनी है कि हाफ़ फ़ीस देनी है, कि 2000 फ़ीस देनी है कि 3000 देनी है, ये डिपेंड होगा आपकी कैश लेटर के ऊपर। हाँ, इतना ज़रूर है कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंपलसरी एक ईयर की फ़ीस मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक सेमेस्टर की मांगती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है अभी तक जो 2000 पाउंड दे के भी जो है वो कैश लेटर आपको जो है वो इशू कर देती है। तो भाई, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलता है कि भाई, मैंने जो है वो 6 मंथ की फ़ीस जो है वो पे कर दी है, तो आगे क्या होगा? तो भाई, यहाँ पे दो रास्ते हैं आपके पास, एक जो मास्टर्स पे आ रही हैं, एक जो है वो बैचलर पे आ रही हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ बैचलर वालों की। जैसे मान लो मैं आया हूँ, जो और भी हमारे जो स्टूडेंट है वो जो आफ्टर प्लस टू आ रहे हैं, तो भाई उनका क्या सीन होता है? वो 6 मंथ की फ़ीस पे कराते हैं, और मन में ये ख्याल होता है, ये सभी की इच्छा होती है कि भाई, अब 6 मंथ तक कोई वरी नहीं है हमको, है ना, कि 6 मंथ के बाद जो है वो फ़ीस हमने पे करनी है। तो भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं छोटा सा, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंग्लैंड में जब आप आ जाते हो ना, तो पहले दिन ही वो बता देती हैं कि भाई, इतनी फ़ीस आपने पे कर दी है। आपकी कैश लेटर के ऊपर भी लिखा हुआ आता है। यहीं पे मैं क्लियर कर दूं, कई बार क्या होता है, कुछ बोल देते हैं कि भाई यार, एजेंट ने मेरे से लगता है ज़्यादा पैसे ले लिए, यूनिवर्सिटी को जो है वो कम पैसे दिए हैं। तो भाई, जब आपको आपकी कैश लेटर मिलती है ना, तो कैश लेटर पे लिखा होता है, फॉर एग्जांपल आपकी 14000 पाउंड जो है वो फ़ीस है, 14000 पाउंड्स आपकी जो है वो फ़ीस है, वो आपने पे करनी थी, आपने आधी फ़ीस पे की है, 7000 आपने पे कर दिया, और आपको मान लो 2000 की जो है वो स्कॉलरशिप भी आ गई। तो पीछे कितनी आपकी रह जाती है? 7 एक हो गया, और 2 एक हो गया, 7 × 9 हो गया, 14 आपने पे करना था, पीछे रहेगी 5000। तो आपकी कैश लेटर में लिखा होगा 7000 आपने पे कर दिया है, और 2000 आपकी स्कॉलरशिप है, और जो है वो 5000 आपने जो है वो पे करना है। और पे कैसे करना है? जब आप इधर आते हो, लाइक बैचलर वालों की फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने बोला कि आपके ऊपर है, आपने फ्री इंस्टॉलमेंट करनी है कि 4 इंस्टॉलमेंट करनी है, आपके ऊपर है। तो ये आपको, तो यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा कि अगर आप यूके में आपने फ़ीस पे करनी है, तो आपकी फ़ीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हाँ भी, आपने 6 मंथ की फ़ीस पे कर दी है, नेक्स्ट 6 मंथ की फ़ीस जो है वो 6 मंथ के बाद पे करनी है। आपकी जब इंस्टॉलमेंट हो जाती है ना, तो इंस्टॉलमेंट में लिखा होता है आपके वो पूरे साल की इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। लाइक मान लो आपने जनवरी में स्टार्ट किया, तो बोलेंगे आपने जो है मान लो 6000 आपकी लेफ्ट है, पेंडिंग है, तो 2000 आपने जो है वो मार्च में पे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वाली जो 2000 है वो आपने जुलाई में या जून में वहाँ पे करनी है, और नेक्स्ट वाली जो है वो आपने सितंबर में या अक्टूबर में जो है वो पे करनी है। ऐसा होता है जो बैचलर करने आते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करने आते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या होता है, एक साल जब तक आपका फिनिश नहीं होता, तब तक आपके पास जो है वो चांसेस होते हैं कि आपने तब तक जो है वो फ़ीस पे करनी है। और इसके दूसरे साइड, अब अगर हम बात करें मास्टर्स वालों की, तो भाई जो स्टूडेंट्स 6 मंथ की फ़ीस पे करके आ रहे हैं, और उनके मन में ये डाउट है कि भाई हाँ, 6 मंथ की हमने पे कर दी है, और नेक्स्ट 6 मंथ की जो है वो हमने
आफ्टर 6 मंथ पे करनी है। तो प्लीज़ भाई ऐसा ना करो, प्लीज़ अपनी सेटिंग लेके आना। यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देती हैं, और स्टार्ट कब से करती हैं, फर्स्ट वीक से। जब आप जो है इनरोल होगी यूनिवर्सिटी में, तभी आपको जो है वो एक शीट हाथ में पकड़ा देंगे। मान लो 6000 आपका पेंडिंग है, तो बोलेंगे 1000 1000 1000 आपने जो है जनवरी में स्टार्ट कर रही हो, जनवरी के एंड 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक 1000 पे करना है। उसके बाद 1000 पे करना है फरवरी में, मार्च में 1000। पहले 6 मंथ्स में जो है वो आपकी उन्होंने सारी की सारी फ़ीस जो है वो पूरी करवा लेनी है। तो ऐसा डाउट दिल में आपके बिल्कुल ना हो कि भाई हाँ हमने 6 मंथ यहाँ पे आके अर्न करके फ़ीस जो है वो पे कर देनी है। नो डाउट आप अपनी फ़ीस जो है वो अर्न कर लोगे, लेकिन 1-2 मंथ की सेटिंग जो है वो आप घर वालों को बोल के रखना कि भाई जहाँ पे जहाँ आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं 1-2 लाख की सेटिंग और आपके साथ आपको दे के भेजिए, सो दैट आप जो है वो तंग ना हो। क्योंकि UK में क्या होता है, सभी जगह यार ऐसा ही होता है आजकल, लेकिन हमारे वहाँ क्या होता था, अगर आपने पहले चीज़ ले लो पैसे बाद में दे देंगे, है ना। आपने घर भी लेना है, कोई ज़मीन भी लेनी है, तो क्या होता है पैसे बाद में दे देंगे, पहले चार दीवारी कर लो जाके, है ना। लेकिन UK में क्या होता है, अगर आपने घर भी किराए पे लेना है, जैसे रेंट पे लेना है, तो क्या होता है पहले उसका फ़ीस देना पड़ता है, पहले उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती है वो देनी पड़ती है। लाइक अभी जनवरी चल रहा है और मैं फरवरी मंथ का रेंट मेरे को जो है वो 1 फरवरी को देना पड़ेगा, उसके बाद पूरा मंथ जो है वो मैं रह सकता हूँ। तो भाई ये आप प्लीज़ मेक श्योर कर लें, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ आके जो है वो स्ट्रगल फेस करे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगता है मैंने नियरली 80% जो डाउट ये वाला था वो क्लियर करने की ट्राई की है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो मेरी इंस्टाग्राम की ID है HarmanUK, आप साइड पे भी देख लो, ये वाली पिक्चर लगी हुई है और हमारी ID है, तो आप इस पे जाके फॉलो कर लो और मैसेज कर दो। आपके मैसेज का रिप्लाई जो है आपको वो आ जाएगा, देर बदेर लेकिन आएगा ज़रूर, है ना। तो भाई अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप मेरा चैनल कर सकते हो सब्सक्राइब। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो UK लाइफ के ऊपर बना के डाली हुई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। अगर आप वो वीडियो जाके देख लेते हो तो आपके 80-90% डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि भाई UK की लाइफ कैसी है, और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।